जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे नाउन नंबर्स के अंतर्गत कुछ स्पेशल रूल, जो क्या हैं कि देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और देखने में कुछ प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन होता है लेकिन उनका एक वचन बनता ही नहीं, और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन जो एक वचन होते हैं लेकिन उनका बहुवचन नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं पहला रूल्स क्या है कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि इनका बहुवचन नहीं बनता। ये हमेशा क्या होते हैं, एक वचन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और सिंगुलर फॉर्म के अलावा इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ शब्द जो अपन के सिंगुलर हैं लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो केवल सिंगुलर नाउंस है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउंस, ये ऐसे नाउंस हैं जो अनकाउंटेबल हैं, यानी कि हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका हम बहुवचन नहीं बनाएंगे कि इनका भी बहुवचन बनाना चालू कर दें, नहीं, ये एक वचन में होते हैं, एक वचन ही रहते हैं, क्लियर। तो चलिए देखो, सबसे पहले जैसे कि है ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, रोटी जो रोटियाँ होती हैं वैसे भी ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ब्रेड को भी हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है ना, रोटी। इसी तरह बटर, बटर का मतलब मक्खन, ये भी ध्यान रखिएगा एक वचन होता है, बटर का मतलब मक्खन। मक्खन, तो मक्खन भी ध्यान रखिएगा अपन के सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे। चाक, चाक देखे होंगे जो लिखते हैं वही चाक, हाँ, तो चाक का मतलब समझते हैं। डर्ट मतलब गंदा, डर्ट मतलब गंदा, ये भी क्या है, एक वचन है, ठीक है ना। आप लोग सुने होंगे डर्टी, ठीक है ना, गंदा या गंदी जो भी मान लें, खराब। डस्ट, डस्ट मतलब जानते हैं धूल, धूल, ठीक है ना, तो धूल, ठीक है। तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है, एक वचन, इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, धारा, ठीक है। इसी तरह फूड, फूड मतलब भोजन, इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं आप लोग, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनका बहुवचन नहीं बनेंगे। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब सामान होता है, क्या होता है, सामान, सामग्री, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब जो लकड़ी के सामान बनते हैं वो, उन चीज़ों को हम फर्नीचर्स कहते हैं। कुर्सी मत समझिएगा, ठीक है ना, तो लकड़ी के सामान का सामान, ठीक है। इसी तरह हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, क्या, स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो ये भी सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है। ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब जो सड़क के नियम में ट्रैफिक होता है ना, रूल्स, जो जहाँ पर हम रुकते हैं, तो ट्रैफिक, ट्रैफिक, ठीक है। इसी प्रकार बैगेज, बैगेज मतलब यात्रियों के सामान, जो कोई बस से या ट्रेन से आता है तो उनके जो सामान होते हैं, लगेज होते हैं, ठीक है ना, तो बैगेज मतलब यात्री का सामान, यात्री का सामान, ठीक है। ब्रेकेज, ब्रेकेज मतलब जो जिस चीज़ को तोड़ दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रेकेज तोड़ने वाले, तोड़ने योग्य, ठीक है, तो ब्रेकेज हो गया, ये भी क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब सूखा हुआ, कोई चीज़ सूखा दें तो ड्रेनेज कहलाता है, तो सूखा, क्योंकि ये नाउन है, कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि हम गिन सकते, गिन नहीं सकते हैं। गारबेज, गारबेज मतलब कबाड़, क्या, कबाड़, जो भी कबाड़ होता है, ख़राब चीज़ें होती हैं जो इधर उधर रद्दी के टोकरे में जाती है, उसे हम कबाड़ कहते हैं, गारबेज कहते हैं, इन्हें भी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसका हम बहुवचन बना सकें, इनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। हेरिटेज, हेरिटेज मतलब जहाँ देखने योग्य होता है, हेरिटेज है ना, देखने योग्य का मतलब है प्रदर्शनी एक तरह से, ठीक है ना, हेरिटेज। प्राकृतिक टाइप में, प्राकृतिक वातावरण जहाँ देखने योग्य। होमेज मतलब अपना घरेलू घर, ठीक है ना, होमेज मतलब जहाँ हम रहते हैं, घरेलू, चाहे जहाँ रहने लगे, जहाँ हमें अपनापन लगने लगे, उसे हम होमेज कहते हैं, ठीक है ना। लगेज सामान, वही
जानते हैं यात्री या किसी का सामान लगेज होता है। पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब है जहाँ पर हम कुछ चीज़ पहुँचा देते हैं, यानी कि एक तरह से डाकिया वाला काम, डाकघर, ठीक है ना। पोस्टेज मतलब डाक का काम। ये भी क्या है, ये सब ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि एक वचन है लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब जानते हैं प्रतिशत, ठीक है ना, और ये भी अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, सिंगुलर अनकाउंट। क्रॉकरी, क्रॉकरी का मतलब होता है क्या, चीनी मिट्टी के बर्तन। क्रॉकरी का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब जो साज सज्जा आभूषण वाले, आभूषण की चीज़ें होती हैं, आभूषण, आभूषण, ठीक है ना, तो ज्वेलरी हो गया। ये सब क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि ये तो सिंगुलर के साथ साथ एक वचन है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल भी है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इनका बहुवचन नहीं बनाना है। मशीनरी, मशीनरी का मतलब जानते हैं मशीन, ठीक है ना, जो मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है, बहुत सारी प्रकार की मशीनें होती हैं, हर चीज़ के जो आपकी लोहा लंगड़ की जिस चीज़ों से हम काम करते हैं वो हमारी मशीनरी होती हैं, ठीक है ना। पोएट्री, कविताएं, ठीक है ना, क्या कविताएं, ये भी क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन, एक वचन, ठीक है। सीनरी मतलब दृश्य, सीनरी मतलब दृश्य, दृश्य हम मूवी भी देखे हैं, ठीक है ना, तो दृश्य, दृश्य का मतलब जो देखने योग्य हो। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एक तरह से जहाँ हमारी किताब, पढ़ने लिखने की सामान चीज़ होती है, दुकान होती है, ठीक है ना। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है किताब कापियों की दुकान, किताब कापी की का स्थान, एक तरह से लाइब्रेरी टाइप में होता है, बट यहाँ पर हमें सभी सामग्रियाँ मिलती हैं, पेन मार्कर सब चीज़ें, ठीक है ना। म्यूज़िक का मतलब गाना, ठीक है ना, गाना जो आनंद हो मिलता है सुनने पर, वो म्यूजिक। इस प्रकार म्यूजिक का मतलब गाना, म्यूजिक का मतलब गाना तो होता है। लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी, स्वतंत्रता, क्या आज़ादी या स्वतंत्रता, ठीक है, तो आज़ादी या स्वतंत्रता। ड्रेपरी, ड्रेपरी का मतलब क्या होता है, पर्दा, जो हम लोग ड्रेपरी यूज़ करते हैं ना, पर्दा यूज़ करते हैं, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, पर्दा, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो जानते ही हैं क्या होता है, इसका अर्थ है तकनीकी, ये तकनीक, ठीक है ना, तो ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब हरा भरा, ठीक है ना, ग्रीनरी का मतलब हरा भरा। ग्रेटिट्यूड, जानते ही हैं धन्यवाद, एक तरह से हम थैंक यू कह सकते हैं। और कृतज्ञता, आप कृतज्ञता, ठीक है ना, ग्रेटिट्यूड होता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब कोई चीज़ बराबर बना के रखना, मेंटेन रखना, ठीक है ना, मेंटेनेंस का मतलब है बराबर बना के रखना या मेंटेन रखना, मेंटेन रखना। सेफ्टी, क्या सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब सुरक्षित रखना, क्या सेफ्टी का मतलब। इसी प्रकार रबीश, रबीश का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट यानी कि करकट, कूड़ा करकट यानी कि खराब चीज़ें, ठीक है ना, जो कचड़े में जाती है। स्पियोनेज, क्या स्पियोनेज का मतलब होता है, जासूस, गुप्तचर कह सकते हैं, क्या जासूस, जो लोग लुक छुप करके किसी चीज़ का पता करते हैं और फिर अपने मालिक या राजा को बता देते हैं, वो होते हैं जासूस या गुप्तचर, क्या जासूस या गुप्तचर, क्या गुप्तचर। आप महाभारत देखो, रामायण देखो, तो उनमें भी गुप्तचर बहुत सारे होते थे जो एक दूसरे की भेद को खोल देते थे। वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब खराब, क्या खराब चीज़ें, खराब, वेस्टेज हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। रेकेज, रेकेज का मतलब होता है ध्वंसधारी, या मैं कह सकता हूँ जो किसी के चोले में आ जाए या किसी का रूप धारण कर करके आए और धोखा दे दे, उसे हम कहते हैं रेकेज, ठीक है ना, जो किसी किसी जो किसी का रूप धारण, बहुरूपिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रूप धारण कर ले, ठीक है ना,
ठीक है ना। कल्ट्री, कल्ट्री का मतलब कहीं से अचानक गायब हो जाना, भाग जाना एक तरह से, भाग जाना या गायब हो जाना, कल्ट्री, ठीक है ना। फुलेरी का मतलब बेवकूफ़ होता है, क्या होता है, बेवकूफ़ मूर्ख है। आप जानते हैं फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, उसी से बन गया है फुलेरी, ठीक है ना। तो बेवकूफ़, बेवकूफ़। इसी तरह पार्किंग, पार्किंग का मतलब जहाँ पर हम किसी गाड़ी को, वाहन को कहीं पर लगाते हैं, साइड में किनारे लगाते हैं, उस स्थान को पार्किंग कहते हैं, ठीक है ना, पार्किंग जानते ही हैं। इसी तरह स्मोकिंग, स्मोक मतलब होता है धुआं, स्मोकिंग का मतलब धुआं ही होता है, तो धुआं। वैसे स्मोकिंग यानी कि एक तरह से आजकल जो यूज़ होता है स्मोकिंग का मतलब सिगरेट पीना, बीड़ी पीना भी कहते हैं लोग, तो स्मोकिंग। इसी तरह स्टेटस, स्टेटस का मतलब आप तो जानते ही हैं, स्टेटस तो सबसे ज़्यादा लगाते रहते हैं ना, स्टेटस किसी की प्रतिष्ठा कह सकते हैं, क्या, प्रतिष्ठा, स्टेटस मतलब। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो ध्यान रखिएगा इन शब्दों को अच्छे से, दो चार छः बार अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और जहाँ पर दिक्कत हो आप बताइए। अब हम देखेंगे अगला रूल्स यानी कि नेक्स्ट, तो चलिए, थैंक।